Now we are in the most precious part of the program, the chief guest speech. अब हम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाषण के सबसे आलोचित भाग में हैं। Before I call the pastor, इससे पहले कि मैं पास्टर को बुलाऊं, I want to inform you about our chief guest. मैं आपको हमारे मुख्य अतिथि के बारे में सूचित करना चाहती हूं। Pastor Vinil Sathish is the national president of FGPC. Pastor Vinil Sathish FGPC के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। From 2002, Pastor has been leading the organization. 2002 से पास्टर संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। He is a humble and broad-minded personality. वो विनम्र और व्यापक दिमाग वाले व्यक्तित्व हैं। By profession, he was an engineer. पेशे से वो एक इंजीनियर थे। But he left it to serve a supreme God. लेकिन उन्होंने इसे सर्वोच्च ईश्वर की सेवा के लिए छोड़ दिया। But he left it in spite of his busy schedule. अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, he has attended the Shine Fest 2019. उन्होंने Shine Fest 2019 में भाग लिया। Moreover, he is present amidst us with his family, Mrs. Eben Sathish, and their daughter. इसके अलावा वे अपने परिवार श्रीमती एवन सतीश और बेटी के साथ हमारे बीच में मौजूद हैं। पास्टर, योर प्रेजेंस विद योर फैमिली मेक योर हार्ट्स ग्रेटफुल। पास्टर, आपके परिवार के साथ आपकी उपस्थिति हमारे दिलों को आनंदित करती है। एंड वी आर थैंकफुल फॉर द एंगेजमेंट एंड पॉजिटिव आइडियाज। और हम आप दोनों के द्वारा दिए गए प्रोत्साहन और सकारात्मक विचारों के लिए आभारी हैं। You both give for the enhancement of Shine English Medium School. जो आप दोनों Shine English Medium School की वृद्धि के लिए देते हैं। At this moment, इस क्षण, I call Pastor Vinil Sathish, National President of FGPC, to deliver the chief guest speech. मैं मुख्य अतिथि पास्टर विनिल सतीश को भाषण देने के लिए बुलाना चाहती हूँ, जो FGPC के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। And let's all give a big hand of applause for our chief guest as a way of honoring him. और चलिए हम सभी हमारे मुख्य अतिथि के लिए एक बड़ी सराहना करते हैं। I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। I am very glad to be in the midst of you this evening. मैं आज बहुत खुश हूं आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर। God has enabled us to do such an educational service in this area. परमेश्वर ने हमें मदद की ऐसा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ आपके बीच में स्थापित करने के लिए। I would like to give my sincere congratulations to the corresponder of this Shine English Medium School, Master Prabhakar Ji. और Master Prabhakar Ji जो इस स्कूल के करेस्पॉन्डेंट है उनको मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इतने अच्छा सेवा उसने जो इसने इस क्षेत्र के लिए किया फॉर ऑल हिज सिंसियर प्रेयर्स काउंसल्स एंड गाइडेंस और उनकी सच्चे दिल की प्रार्थनाओं के और अभिनंदन के लिए हम उनको आभार व्यक्त करते हैं एंड आई एम वेरी मच डेब्टेड टू द डायरेक्टर ऑफ दिस सेल्स इंस्टीट्यूशन Mr. Paul Donald Samuel. और Mr. Paul Donald Samuel इस संस्था के प्रदेश में हैं, उनके भी मैं बहुत आभारी हूँ। He is the chosen vessel of God to enlighten the people and the younger generations in this area. वो परमेश्वर से चुना हुआ एक व्यक्ति है इस देश के लिए, इस जगह के लिए, जो यहाँ के लोगों को प्रज्वलित करने के लिए। So I greet him and congratulate him. To have many more best service vessels in this area. और मैं आशा करता हूँ कि कामना करता हूँ और प्रार्थना मेरे परमेश्वर से ये है, उनको परमेश्वर और अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें। The principal of this SEMS institution, Ms. Gesia Samuel, she works day and night for the improvement of this staff and students of this institution. और इस इंस्टीट्यूशन के प्रधानाचार्य प्रधानाचारी और किसी ऐसे अपल के लिए भी प्रभु को धन्यवाद करता हूँ उसने दिन रात कड़ी मेहनत करके इस स्कूल को आगे बढ़ाते हैं। I wonder the potentiality inside her. और उनके अंदर जो काबिलियत है उसको मैं दिल से सराहता हूँ।
सराहना करता हूं and I also greet with my whole heart all the teaching staff and the non teaching staff of this institution और इस स्कूल के सारे अध्यापकगण और अगर अध्यापकगण उन सब के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं you are all serving God first and this children next और सबसे पहली बात आपको ये समझना है सबसे पहले आप परमेश्वर की सेवा करते हैं उसके बाद में इन बच्चों का सेवा so, करते हैं our almighty God sees your sincere heart and he will bless you with much more talents to teach these children and bring up these children और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप सबको ऐसा शक्ति और सामर्थ्य देगा ताकि आने वाले दिनों में और आप अच्छा इस स्कूल के लिए कर सके and I greet all the loving parents families of our children aur main dhanyawad dena chahta hu sare abhivavak gano ko jo aap is tarah pyar se in bachchon ko school mein bhejte hain many times when your director speaks to me he tells me about the love and care you people show for this institution kai baar hamare nirdeshak sahab dalal sahab ne mujhse baat kit kiya hai aur unne bataya hai aap jis tarike se un logon ko sahyog karte hain aur pyar karte hain really we are blessed to serve you aur sach mein hame aisa mauka mila hai jo hum aapki seva kar sake so I thank God for that aur main uske liye parmeshwar ko dhanyawad dena chahta hu I beseech all the parents to continue your love and all your corporations to the growth of this institution main aap sabse ek vinanti karna chahta hu aap jaise pichle dinon mein aap is school ke sath sahyog kiya aane wale dinon mein bhi aapke sahyog hum chahte hain I also admire and respect all the elders and the village presidents and all the people of honor over here और जितने गणमान्य लोग आज हमारे बीच में इस सभा में उपस्थित हैं गांव के प्रधान और अन्य गांवों से भी लोग आए हुए हैं उन सबको मैं दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं God bless you all प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे and I sincerely extend my love from the depth of my heart to all the shining students और इस स्कूल के सारे विद्यार्थियों के लिए मैं दिल से आभारी हूं I see these students to be great leaders building our nation tomorrow aane wale dinon mein hamare desh ko banane wala bahut acche agwe ye bacche banne wale hain uske liye main prarthna karta hu I do have a vision aur mere paas ek darshan hai that from this area aur is ilaka se I hear that from about 34 villages people gather here for studies maine suna hai lagbhag 34 gaon se bacche is school mein padhne aate hain really God is raising great potentialities from here aur aapke andar ek bahut badi kabiliyat chupe hain big national builders are being raised here bahut bade bade agwe is gaon se nikalne wale hain we are not seeing it now अभी आप उस बात को नहीं देख सकते but they are being raised here लेकिन उनको तैयार किया जा रहा है after 10 to 15 years आज से 10-15 साल के बाद you are going to see it visually और आप अपनी आंखों से देखेंगे इस जगह से बहुत बड़े-बड़े नेता खड़े हो जाएंगे will bring great joy to all of us वो सब हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी and this institution is for that और ये स्कूल इस काम के लिए समर्पित है this institution is promptly backed by the full gospel educational institutions board aur ye sanstha ye jo full gospel church ke jo organization chalate hain that board consists of 7 people aur isme board mein 7 log sadasya hain they plan all the things infrastructure related and all the things for this institution aur is school ki jo bhi baatein hain zarurat hain wo log पॉलिटिकल विचार विमर्श करके उसके बाद में उसको लागू करते हैं पैकिंग फॉर दिस इंस्टीट्यूशन और वो लोग पीछे खड़े होकर इसके सेवा करते हैं एंड वी द होल चर्च फुल गॉस्पेल पेंटेकोस्टल चर्च और ये पूरे फुल गॉस्पेल पेंटेकोस्टल चर्च वी आर इन प्रेयर्स फॉर यू और हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं और इन हैंड इन हैंड्स विद यू और हम आपके कंधों में कंधे मिलाकर साथ में खड़े हैं मे गॉड ब्लेस यू वेरी मच इन द नियर फ्यूचर और आने वाला भविष्य में प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे आई वांट टू टेल यू वन मैसेज टुडे और मैं आज आपको ये संदेश देना चाहता हूं जीसस क्राइस्ट सेड और यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड मैं जगत की ज्योति हूं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड मैं जगत की ज्योति हूं
Father God who created the whole universe. जो परमेश्वर ने इस सारे ब्रह्मांड को बनाया है, is light. वो एक प्रकाश है, means he is a living being. वो एक जीवित परमेश्वर है, but he is the brightest ever breathed. और ये सबसे ज्यादा ज्योति में रहने वाला है. God Father is light. और पिता परमेश्वर प्रकाश है. His only begotten Son is Jesus Christ. और उसकी एकमात्र पुत्र है प्रभु यीशु मसीह. God sent His own Son Jesus Christ to this world. परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा. So Jesus Christ brought the light of the Father to this world. और यीशु मसीह ने उस प्रकाश परमेश्वर की ज्योति को इस दुनिया में ले आया. Jesus came in the form of a man. और प्रभु यीशु मसीह एक इंसान के रूप लेकर इस दुनिया में आया. He lived among us as a man. और एक इंसान जैसे हमारे बीच में रहा. He reflected God's image to us. परमेश्वर का स्वरूप को उसने हमें दिखाया. God is light. परमेश्वर ज्योति है, प्रकाश है. Jesus, he reflected the whole wisdom of God. परमेश्वर के सारे बुद्धि को प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया. Light means wisdom. प्रकाश का मतलब है बुद्धि, ज्ञान. Light means a good character. स्वभाव, एक अच्छा प्रकाश का मतलब एक अच्छा स्वभाव, चरित्र. So light means there is no evil in that in it. और लाइट या प्रकाश का मतलब है उसमें कोई अंधकार नहीं है, गलत नहीं है. So God is full of knowledge. परमेश्वर सारे ज्ञान से परिपूर्ण है. God is full of love and good ethics or character. परमेश्वर के पास सारे सद्गुण और अच्छे स्वभाव है. And God is not having any evil within him. परमेश्वर के अंदर कोई बुराई नहीं है ही नहीं. So this God is reflected through Jesus Christ to mankind. और यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में प्रकट हुआ. We see the sun. और जैसे हम सूरज को देखते हैं, the sun gives light. Sun gives light. सूरज हमें रोशनी या प्रकाश देते हैं. We see moon also. हम चंद्रमा को भी देखते हैं. But moon doesn't have light in itself. लेकिन चंद्रमा को अपने तरफ से प्रकाश है नहीं. This moon gets the light from the sun. और ये जो चंद्रमा जो सूरज से प्रकाश को लेकर and gives the reflects the light to this world. और उस सूरज का प्रकाश को हमको प्रतिफलन करते हैं. See, this is a torch. आप देखिए एक टॉर्च है. This has light. और इसके अंदर प्रकाश है, इसमें है प्रकाश. Now this light is coming on a mirror. और एक शीशे में अगर आप इस टॉर्च को लगा देते हैं, और ये शीशा इस प्रकाश को दूसरी तरह प्रतिफलन कर सकते हैं. और इस टॉर्च के अंदर लाइट है, लेकिन इस शीशे में अपने आप में कोई रोशनी है नहीं. लेकिन इस शीशा और ये जो टॉर्च की रोशनी को प्रतिबंधन करते हैं. और इसी तरीके से परमेश्वर प्रकाश है. और प्रभु यीशु मसीह इस प्रकाश को हम तक पहुंचाया. और परमेश्वर का स्वरूप को हमें दिखाया. जैसे हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और जानते हैं, हम पिता परमेश्वर को जानते हैं. प्रभु परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? प्रभु कहते हैं हम भी ये शीशे जैसे बन जाए. और हमें बुलाते हैं, वो हमें बुलाते हैं एक शीशा बनने के लिए, ताकि हम हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की ज्योति को दूसरों पर चमकाएं. और हम परमेश्वर की ओर विचार करें. और हमें परमेश्वर से शांति मिलती है. और हमें परमेश्वर से शांति मिलती है. And we get that good
character. और परमेश्वर का अच्छे स्वभाव या चरित्र हमें मिलता है. And we should reflect it to other people. जैसे हम परमेश्वर के स्वभाव हमें मिलते हैं, हम दूसरों को भी वही बात reflect करना है. There was a lady called Amy Carmichael. और एमी कार्मिकेल करके औरत थी. She came from some foreign country. और वो किसी विदेश से आए. She was doing ministry in a place nearby from the place where we are living. और जहाँ पास्टर लोग रहते हैं उसके पास पड़ोस में आकर वो सेवकाई शुरू किया. She served many poor people. और उसने ऐसे गरीबों के बीच में सेवा की. She was just like a mirror. वो एक शीशा जैसे थी. She revealed the love of Jesus to people. परमेश्वर का यीशु मसीह का प्यार को लोगों तक पहुंचाया. Many people were touched by her ministry. और उसकी सेवकाई के द्वारा कई लोग छू गया. They came to know a loving and caring God through that lady. और उस औरत के द्वारा लोगों ने एक प्यार करने वाला, शांति देने वाला परमेश्वर को जाना. At that time, there was a man, a terrorist-like man living. और वहाँ एक आतंकवादी जैसे एक व्यक्ति वहाँ रहता था. His name was Jambulingam. और उसका नाम था जंबुलिंगम. Police forces cannot control him. और कोई भी पुलिस उसको काबू में नहीं रख पाता था. The fellow lives in the forest. और वो बंदा जंगल में रहता था. Just coming out doing some mistakes and going back to the forest. और वो जंगल से बाहर आके कोई ऐसा जुर्म करके फिर जंगल में भाग जाता था. But he came in contact with this missionary lady. लेकिन जब इस जंबुलिंगम नामक एक बहुत बड़ा डाकू इस औरत से मिला, the love this lady showed to him impressed him. और जिस तरीके से इस औरत ने उनको परमेश्वर का प्यार को दिखाया, उस आदमी के जीवन को छू लिया. He couldn't stand before that love. और पर उस प्यार के सामने वो खड़े नहीं हो पाया. He started weeping. और वो रोने लगे. He fell on his legs. और उनके पैर पे गिरी. Is there a God with such so much love? क्या ऐसा कोई परमेश्वर है इतना ज्यादा प्यार करने वाला? She told about Jesus Christ. और उसने यीशु मसीह के बारे में उनको बताया. That day a change came into the Jambulingam's heart. जंबुलिंगम के दिल में उसी दिन एक कुछ नया कुछ हो गया. Such type of people are needed for our country today. ऐसे लोग आज हमारे समाज की जरूरत है. Many people are taking evil in their hands. Many people are taking evil things in their hands. बहुत ऐसे लोग हैं जो बुराई में बुराई करते हैं और बुराई करने के लिए अपने हाथों को देते हैं. Taking arms in their hands. बहुत लोग हथियार उठा लेते हैं. Taking hatred in their hands. और बहुत लोग नफरत अपने दिल में पालते हैं. People are not loving their fellow human people. और अपने आस पड़ोसियों को प्यार नहीं करते हैं. But we should so love in their hearts. लेकिन हमें ऐसा बनना चाहिए, हम अपने प्यार को दूसरों को दिखाना चाहिए. God is love. और ये परमेश्वर प्यार है. We can show the love of Jesus to them. और परमेश्वर का उस प्यार को हम दूसरों को दिखाएं. I want to tell you another thing and stop the message. और मैं एक और बात बताकर समाप्त करना चाहता हूँ. See this light. और ये प्रकाश. Jesus said, I am the light of the world. और यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ. Again Jesus said. और फिर से यीशु ने कहा, You are the light of the world. You are the light of the world. तुम जगत की ज्योति हो. You are the light of the world. तुम जगत की ज्योति हो. Jesus wants to make us lights of the world. प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं हम जगत की ज्योति बने. He came with a love, a light from the God. परमेश्वर क्या उस प्रकाश से यीशु मसीह इस दुनिया में आया. अब he wants to illuminate us. और वो हमें प्रकाशितमय करना चाहते हैं. Enlighten us. और हमको प्रकाशित प्रज्वलित करना चाहते हैं. He wants to use us as lights for others. और प्रभु ये चाहते हैं वो हम दूसरे के लिए एक प्रकाश ज्योति बन जाए. Just as we light a candle. और जैसे हम एक मोमबत्ती को जलाते हैं. Light one candle. और अब अगर आप सोचें एक आपने एक मोमबत्ती को जला लिया. But this candle burns. और जैसे ये मोमबत्ती जलते हैं. This gives light. और ये प्रकाश देते हैं. This is very useful. और ये बहुत उपयोगी है. But you know, लेकिन आप जानते हैं. As time passes. जैसे समय खत्म होते जाएंगे. This candle goes down. और ये
मोमबत्ती छोटा बनते ही जाएगा. This just burns away. और ये अपने आप खत्म हो जाते हैं. During its lifetime. और जितना समय तक ये जल सकता है. It starts to light another candle. जब तक ये जल रहा है, तब तक अगर इससे आपने दूसरे को अगर जला दिया तो. This light has come into this candle also. वाह. ये जो प्रकाश है, ये जो मोमबत्ती दूसरे मोमबत्ती को जला सकता है. So before dying, और आप खत्म होने से पहले this candle और ये जो मोमबत्ती should light many many candles. ऐसा बहुत मोमबत्तियों को जलाना चाहिए. That is the usefulness of this candle. और ये है इस मोमबत्ती का उपयोग. So इसलिए Jesus wants to be like this candle. प्रभु चाहते हैं हम इस मोमबत्ती जैसे बने. He came from all the way from heaven to here. परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग की महिमाओं को छोड़कर इस दुनिया में आया. Enlighten us. ताकि हमें प्रकाशित करने के लिए. Enlightenment with knowledge. और हमारे मन को ज्ञान से भरपूर करे. Through such educational institutions. जैसे स्कूल जैसे एजुकेशनल या इंस्टीट्यूशन को स्थापित करके और हमारे आत्मा को प्रकाशित करने के लिए थ्रू द चर्चेस और कलीसियाओं के द्वारा थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर के वचन के द्वारा थ्रू द स्पिरिट ऑफ गॉड परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एनलाइटन आवर सोल्स ताकि हमारे आत्मा बच जाए और प्रकाशित हो जाए. इंटेलेक्चुअल एजुकेशन और वो बुद्धि के साथ जो आत्मा के जो बुद्धि है वो हमें मिले. स्पिरिचुअल थिंग्स ऑन द अदर साइड आत्मिक बातों में हम लोग आगे बढ़े. दिस बोथ एनलाइटन्स अस होली अ होली और परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर आते हैं हमें पवित्र और पवित्र बनाते हैं. ईश्वर के दिस एनलाइटनमेंट हमें जब इस एनलाइटनमेंट जब मिलेंगे प्रकाशित मिलेंगे और जो भी हमारे रास्ते में आए उन सबको जलाते जलाते हम चले. That is what SEMS is doing here. और ये है ये स्कूल यहाँ जो यहाँ कर रहा है. Suddenly some other lady comes in my mind. और एक और औरत के बारे में मेरे मन में विचार आया. Her name is Madam Ida Scudder. और मैडम इडा स्कडर के विषय में. She also came from some foreign country. वो भी किसी अन्य देश से आई है. She had a medical study with her. और वो एक डॉक्टर थी और उस डॉक्टर के लिए पढ़ाई की थी. Was involved in that medicinal services. और वहाँ अपने देश में वो medical department enlightening. और परमेश्वर ने उस तरीके से उनको बुद्धि दी. That knowledge and talent. और उसके talent और उनके बुद्धि ज्ञान दी. She served many sick people in the area of Vellore. और वेल्लूर नामक तमिलनाडु में जगह में उसने बहुत बीमारों को मदद किया. She not only served the sick people, और न केवल वो बीमारों को इलाज किया. She taught the study of medicine to many other people. और उसने दवाइयों की या मेडिसिन की स्टडी को भी बहुत जवानों को सिखाया. Many medicinal students rise. और बहुत ऐसे स्टूडेंट्स आगे बढ़ गया. Now there is a great college, Vellore Medical College. आज वेल्लूर में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है. She was a candle. और वो भी एक मोमबत्ती जैसी थी. Lighted many many candles. और उसने बहुत लोग मोमबत्तियों को जलाया. Still burning and giving light. और आज भी वो कई लोगों को ऐसे जला रहा है. Like that, the SEMS has started its service. This SEMS has started its service. और ये जो जो संस्था है जो सेवा आपको कर रहा है. We are now enlightening all these kids. और हम ये सारे छोटे छोटे बच्चों को प्रज्वलित कर रहा है. After some years, और कुछ सालों के बाद these children will pass away after 12th standard from here. और बाद में ये बात बारहवीं जब पास हो जाएंगे they will enter higher studies. और उसके बाद में वो और स्टडी के लिए जाएंगे. Many children will go abroad for higher studies. और यहाँ से पढ़ने वाला कई बच्चे विदेश में जाकर पढ़ेंगे. They will come back as great educationalists. और बहुत बड़े लोग बनकर यहाँ वापस आएंगे. Come back to your villages as doctors. और जैसे वो लोग आप डॉक्टर बनकर आपके गांव में वापस आएंगे. They will come back to your villages as great engineers. और बहुत बड़े इंजीनियर बनकर इन बच्चे आज जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके गांव में आएंगे. IAS, IFS officers. और बहुत बड़े-बड़े IAS officer, DOM बनकर आएंगे. बड़े scientists.
और वो शास्त्रिक बनकर great people will fill your gaon. Amen. बहुत बड़े-बड़े लोग आपके गांव में इस स्कूल के द्वारा फायदा होगा. This type of enlightening work is going on here. और इस तरीके से काम ये स्कूल में के द्वारा किया जा रहा है. So may God bless you all. प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे. The light of Jesus Christ shine on you. Amen. प्रभु यीशु का रोशनी आप सबके ऊपर चमके. And this light shine on this institution forever. और हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की ज्योति इस संस्था के ऊपर प्रकाशित करे. प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे.